इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गिरिराज पहाड़ की पूजा करवा दी। गिरिराज की पूजा क्यों करवाई भगवान ने और इंद्र की पूजा बंद क्यों करवाई? जिसके अंदर अभिमान बढ़ता जाता है उसकी पूजा भगवान क्या इंसान भी नहीं करना चाहेगा? जय राम जी की बोलो। हे भगवान, इस आदमी से तो बचाओ हमें, क्यों? अरे बहुत अभिमानी आदमी है ये। अभिमानी आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर आपको घर में पता चल गया होता कि जहां तुम कथा में जा रहे हो वहां कोई अभिमानी आदमी है और अभिमान की कथा कह रहा है, तो तुम वहीं से हाथ जोड़ लेते कि भैया फिर तो घर ही में बढ़िया है। पर तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं, भगवान की कथा होगी वहां पर, कोई भगवान के प्यारे भक्त हैं जो कथा कहेंगे और हम लोग वहां बैठ करके सुनेंगे। आप इस भाव से सुनने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, भगवान सबको देख रहे हैं। हम जितने लोग बैठे हैं ना, जो भी जहां भी है, भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान गिरिराज पर भी नजर रखे थे और भगवान की नजर देवराज पर भी थी। भगवान ने देखा कि देवराज के अंदर अभिमान बढ़ रहा है और गिरिराज के अंदर भगवान बढ़ रहा है, तो पूजा किसकी होगी? जिसके अंदर भगवान बढ़ेगा उसकी पूजा होगी, जिसके अंदर अभिमान बढ़ेगा होती हुई पूजा भी धीरे धीरे बंद होती चली जाएगी। इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और सारे ब्रजवासियों के, वृंदावन वासियों के द्वारा गिरिराज का पूजन करवा दिया।